हम कोशिश करते हैं कि आपको ऐसी इमारतें, हवेलियां और जगह दिखाएं जो बीते दिनों की यादें और कहानियां दामन में समोए हुए हैं। इससे पहले कि माजी की ये यादगारें अपनी कहानियों समेत खाक हो जाएं, हम उनको वीडियोस की शक्ल में महफूज कर लेते हैं। हमारे पास इनके बारे में हो सकता है मालूमात कम हो, इसीलिए हम आपको सिर्फ पुरानी यादगारें दिखा देते हैं। कहानियाँ ये खुद बयान करती हैं और हर देखने वाले को अलग तरीके से अपना गर्विदा बनाती हैं। जी दोस्तों, मैं नईम चिश्ती और आज हम मौजूद हैं कुरैश रेलवे स्टेशन पर। ये बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन है, फोटाबास के करीब है। और ये रेलवे स्टेशन, अब इसका ट्रैक नहीं है ना, इस पर कोई ट्रेन रुकती है, लेकिन ये बिल्डिंग तारीखी मौजूद है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसके ऊपर तीन ज़ुबानों में कुरैश रेलवे स्टेशन जो है वो लिखा हुआ है। तो हम आपको ये पुरानी बिल्डिंग्स, प्री पार्टीशन बिल्डिंग्स दिखाते रहते हैं, और ताकि जो लोग यहाँ पर पहले बसते थे उनको ये देख के अच्छा लगेगा और उनकी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाएंगी। दूसरी जंग अजीम में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अंग्रेज़ हुकूमत ने यहाँ का जो ट्रैक है वो उखाड़ कर, यहाँ के मकामी एक टीचर बता रहे थे कि वो बर्मा ले गए थे और उसको कहीं और इस्तेमाल कर लिया था। और ये जो दरबार लाइन है जो बहावलपुर रियासत के ख़र्चे पर बनाई गई थी, यहाँ से उन्होंने उखाड़ लिया था ट्रैक सारा जो है। लेकिन ये उसकी पुरानी निशानी जो कुरैश रेलवे स्टेशन है वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। तो आइए आपको कुरैश रेलवे स्टेशन की थोड़ा विज़िट करवाते हैं और आपको दिखाते हैं। आज एक ऐसा रेलवे स्टेशन आपको दिखाते हैं जो हिंदुस्तान में बरतानवी राज की निशानी है। पाकिस्तान के ज़िला बहावलनगर की तहसील फोटाबास में वाक़िया ये रेलवे स्टेशन सहराए चौलिस्तान के तपते दामन में आज भी मौजूद है। इसका नाम है कुरैश रेलवे स्टेशन। फोटाबाद से मरोट और मंडी यजमान को जाने वाली सड़क पर कुरैश रेलवे स्टेशन 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है। 20वीं सदी के आगाज़ में बहावलनगर से फोटाबाद और फोटाबाद से बरास्ता यजमान बहावलपुर तक रेलवे पटड़ी बिछाई गई थी। इसका सारा खर्च रियासत बहावलपुर ने उठाया था, इसीलिए इसको दरबार लाइन भी कहा जाता था। दूसरी जंग अजीम में अंग्रेज़ सरकार ने फोटाबाद से बहावलपुर रेलवे लाइन उखाड़ ली। फिर हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, अंग्रेज़ ये धरती छोड़कर चले गए। रेलवे लाइन दोबारा बिछाने के मंसूबे भी अधूरे रह गए। आज ना तो रेलवे लाइन है यहाँ और ना ही कोई रेलगाड़ी चलती है। बस इस रेलवे लाइन की याद दिलाने के लिए रेलवे स्टेशन्स की इमारतें बाकी हैं जो टूट फूट का शिकार हैं। कुरैश रेलवे स्टेशन उनमें से एक है। दूसरी जंग अजीम के बाद इस रेलवे स्टेशन, रोही सहरा में बसते लोगों और इस रेगिस्तानी इलाके ने रेलगाड़ी का मुंह नहीं देखा। ये रेलवे लाइन माजी के रेगिस्तान में कहीं दफन हो गई है। एक मकामी रिटायर्ड टीचर अब्दुस्तार से बात करते हैं और कुरैश रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ मजीद जानते हैं। जी साढ़े नाल ने जी अब्दुस्तार साहब जो स्कूल टीचर रहे ने या हुण भी पढ़ाते हो तुसी? रिटायर हो गए। अच्छा, रिटायर हो गए ने ते इत्थों दे नंबरदार ने। तो इन्हां कोलों पुछने आ कि जिहड़ा रेलवे स्टेशन है पुराना कुरैश, जिथे हुण गौरमेंट प्राइमरी स्कूल रेलवे स्टेशन कुरैश के नाम तो खुला है, इहदे बारे कोई जानते ने तो ये सानू कोई दसणगे जी? सर, ये रेलवे स्टेशन के बारे कोई दसो सानू कि ये कदों बनया है ते इहदे ट्रैक कित्थे गया इहदा? ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 1928 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਟੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਟ ਕੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਮਾਸ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 1941-42 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 1941-42 ਵਿੱਚ ਪੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 1983 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਰਾਮਦਾ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਰਹਿਸ਼। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ, ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ। ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਠੀਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। इस रेलवे स्टेशन के माथे पे तीन ज़ुबानों में इसका नाम लिखा गया था, उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी या गुरमुखी में भी, जो आज भी मौजूद है। तीन ज़बानों में लिखा यह नाम गवाही देता है कि इस धरती पे कभी हिंदू, सिख और मुसलमान इकट्ठे बसते थे।
अब इस बिल्डिंग में प्राइमरी स्कूल कायम हो चुका है जिसका नाम है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कुरैश रेलवे स्टेशन। जहां कभी मुसाफिर आते थे अब वहां बच्चे तालीम हासिल करते हैं और खेलते कूदते हैं। जिन कमरों में स्टेशन मास्टर, टिकट क्लर्क और दीगर अमला होता था उन्हीं कमरों में अब हेडमास्टर का दफ्तर और पाँचवीं जमात तक क्लासेस मुनक़द होती हैं। जहां कभी किरायानामा और ट्रेन्स के औकात दर्ज होते थे अब उस दीवार पे पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा हुआ है। इस इमारत में रेलवे स्टेशन की बस एक निशानी बची है। दीवार पे लिखी एक इबारत है जो तीन जुबानों में दर्ज है। उर्दू में लिखा है, जाने से पहले अपने टिकटों और करियाना का इम्तिहान और फहरिस्त किराया का मुलाहजा करो। अंग्रेज़ी में लिखा है, एग्जामिन योर टिकट्स एंड चेंज बिफोर लीविंग एंड सी लिस्ट ऑफ फेयर्स। शायद यही बात हिंदी या गुरमुखी में भी लिखी हुई है। यहाँ के एक मकामी रिटायर्ड स्कूल टीचर ने इस इबारत की दिलो जान से हिफाजत की है। इस पे चूना फेरकर हमेशा के लिए इसे मिटाया नहीं है बल्कि गुजरे दिनों की इस याद को महफूज रखा है। सहराई चौलस्तान के इस छोटे से गांव के प्राइमरी स्कूल के उस्ताद की सोच धान के खेत की तरह सरसब्ज और दिलकश है। उस्ताद तारीखी यादगारों को तोड़ने वालों में से नहीं है बल्कि उसको बचाने वालों में से है। कुरैश रेलवे स्टेशन की इस इमारत के करीब ही हाकड़ा नहर बहती है जिसने रोही के रेगिस्तान को गुलजार बनाने की कोशिश की है। स्टेशन के आसपास रेगिस्तान को सब्जाजार बना दिया है मगर यूं लगता है कि सहरा की रेत इस बिल्डिंग और गांव को निगलना चाहती है। जब यहां ट्रैक मौजूद था और रेलगाड़ी चलती थी तो रेलगाड़ी हाकड़ा नहर को इस पुल से क्रॉस करती थी। इस पुल पर लगी ये प्लेट बताती है कि इसका मटेरियल जेसप कंपनी ने जमशेदपुर में तैयार किया था और 1928 में ये पुल तामीर हुआ। बंटवारे से पहले ज़माने की ये यादगार खुदा जाने कब तक रहे। अब यहाँ ना तो रेलगाड़ी नज़र आती है और ना ही रेल की पटड़ी। कुरैश रेलवे स्टेशन के कमरों में पढ़ते बच्चों को अगर उस्ताद ये बताते होंगे कि कभी यहाँ ट्रेन रुकती थी तो बच्चे ज़रूर सोचते होंगे कि ट्रेन किसे कहते हैं।